अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जो हमारा सुबह का पहला व्लॉग है, अभी हम लोगों ने नमाज पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है। ऐसे मैंने लैला पढ़ी थी, हैं कुरान पाक पढ़ी, ऐसे पढ़े कुरान पाक है? कैसे पढ़नी? कैसे पढ़ूंगा लैला? कैसे पढ़ेंगे ऐसे दलिंग लैला? ये देखे, मैंने बनवाया था, एक कप मैदा लिया था और एक अंडा और सब्ज़ धनिया हल्का सा, थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा आपसे चम्मच डाला था, आपसे कम चम्मच डालना, और ब्लैक मिर्च, हल्का सा नमक डाला था और दूध का एक कप डाला था मैंने। ये देखा दूध में डाला। अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। ये देखा, एक चम्मच चीनी का डाला मैंने। ये देखिए कितना। अब इसकी रोटी बनाते हैं। मैं नहीं इस्तेमाल कर रही, मैंने सेल करना, इसलिए बना के ना ट्राई कर रही हूँ पहले चीज़ जी। और थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल, वो खालिज पे और तमाम बीमारियों से भी अच्छा है। हल्का हल्का से डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं डालना। तेल को ऐसे ही घुमाते जाएं हल्का हल्का सा। अच्छा, इधर रखते हैं आप इसको। चम्मच के साथ मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है एक हाथ से बनाने से, तो थोड़ा सा साइड पे करेंगे इस तरह। आप लोगों ने छोटी छोटी सी बनानी है, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी। तो जैसे नाश्ते में भी इस्तेमाल हो सकता है और सेल के लिए भी, ऐसे घर पे भी शौक या तोड़ के भी खाना। अब हल्का से इसको चिमटे की मदद से इसकी साइड बदलेंगे। माशाल्लाह से देखे कितना प्यारा कलर आया इसका। इसको इस साइड पर रखें। ये देखे, मैंने जो टिक्की बनाई थी, देखिए कितना प्यारा कलर है, बिल्कुल खस्ता बनी है। ये देखे, ये देखे रोटी भी, ये देखे टिक्की, बिल्कुल कितनी प्यारी। और ये देखे रोटी भी कितनी सॉफ्ट है, कैसे इसको
इकट्ठा करें खाएं कैसे मर्जी करें, बिल्कुल नरम है। जे मैंने कल को इंशाल्लाह ताला कल फिर बनाएंगे समोसे और टिक्कियां और चिप्स वगैरह का सामान, लेकिन आज मैं लेकर आई थी सामान और चीज़ें लेकर आई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी क्योंकि बच्चों को दोबारा पता चल जाए चीज़ों का। इसलिए मैं ना कल को फिर इंशाल्लाह ताला फिर लगाएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी दिखाऊँगी और बताऊँगी भी। आज वक्त था मेरे पास कम था, गैस आ गई थी, इसलिए मैंने ना जल्दी जल्दी से बना कर दिखाया। कल को सामान भी तैयार करूँगी और साथ आप लोगों को बना के भी खाऊँगी भी। जी मैंने साग गर्म कर रही, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, ये देखिए आप इसमें तैयार बना दी। पास पैकेट है साग का, इसमें मिर्च नहीं अब डालनी, मिर्च तो इसमें ठीक है, मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डालने की, फ्रीज किया हुआ है। इसमें जो हल्का हल्की सी बर्फ है बाकी फ्रीज हो चुका है। असद नाम असद नहीं गंदे बच्चे देला सिर मारी जाना बाई बिच। ये देखिए मेरे साग तैयार हो चुका है, बन गया। इसमें मैंने लहसुन और सब्ज़ लहसुन ही जो उसके ऊपर सब्ज़ वाली बहुत डाली थी और सब्ज़ धनिया डाला। देखिए कितनी प्यारा साग बन गया, इसमें रहमान रहीम। अब चेक करके देखते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार बना है साग। जो सर्दियों का खास तोहफा है इसलिए जो बहुत मज़े का बना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए आप, हमने हमारा आज का दिन की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चीज़ें सेल करने वाली थी वो उसके बारे में भी ज़रूर बताना। और अब हमने असद लोगों ने रात का खाना भी खा लिया है, अब असद सोने लगा है। हमारी वीडियो को देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें, जो नए हैं वो भी शेयर करें कमेंट करें और सपोर्ट करें। असद को अल्लाह ताला अपना घर दे दे, हमारी चीज़ों यही दुआ है बहुत, क्योंकि हम जल्दी से रेंट का किराया नहीं फोन कर सकते, बहुत ज़्यादा है किराए बिल नहीं पूरे होते तो खर्चे क्या पूरे होंगे जल्दी से। हमें आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखना। कल नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात हो रही है, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।